हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे और कुछ बेहतर करने की सोच रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों के साथ में फिर से आया हूं इसराइल की जॉब लेकर के मैं दोस्तों। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं, सिविल लाइन से जो है मेरे पास में जॉब आई हुई है डायनेमिक ऑफिस में। तो आप लोगों को अगर इंटरव्यू देने जाना है मेरे दोस्तों, तो आप लोग जा सकते हो। फ्रेशर की रिक्वायरमेंट आना शुरू हो गई है, ठीक है। फ्रेशर की रिक्वायरमेंट आना शुरू हो गई है, तो जिस भाई को भी जाना है, मैं आपको जॉब डेली के डेली एक ना एक वीडियो बना करके डालूंगा। आप लोग जो है अप्लाई करते रहिएगा। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि जो है अभी जो फ्लाइटें होने वाली हैं, वो फर्स्ट राउंड का भी लिस्ट बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट राउंड वालों के पास में फ़ोन कॉल आना स्टार्ट हो गया है, और जिनके पास फ़ोन आना शुरू हो गया है उनसे पैसों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, कि आप अपना पैसा जमा करवाइए जिससे कि आप लोगों की फ़्लाइट हो सके। तो मेरे दोस्तों, अब आप लोगों को भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट राउंड वालों का भी पूरा जो है वीज़ा का प्रोसेस वगैरह जो है वो सब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा मेरे दोस्तों, उसके बाद में फिर थर्ड राउंड का इंटरव्यू की डेट आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग जा करके अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो आप लोगों का इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जब तक कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो रजिस्ट्रेशन के बाद में आप लोगों का एक कोड जनरेट हो जाता है, जिसके जरिए आप लोगों का जो है जब श्रम विभाग में अप्लाई कोई भी चीज़ करोगे, जैसे इंटरव्यू आप देने जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को कोई भी डिटेल बतानी नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक पहले से उनके पास में सेफ रहेगा। उससे ये रहेगा कि आप लोग जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आप लोगों से इतना ज़्यादा डिटेल कुछ पूछा नहीं जाएगा, इसलिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस भाई को भी रजिस्ट्रेशन नहीं आता है करना है कि भाई हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आप लोग को साइबर कैफ़े, आप लोग को तो पता ही होगा ना, कोई साइबर कैफ़े में भी आप लोग जा सकते हो। वहाँ पर जा करके आप लोग श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जैसे कि कोई आप लोगों के नज़दीकी कोई एयर टिकट, रेल टिकट और आप लोगों का लाइसेंस वगैरह जो भी बनाता है, जिसको साइबर कैफ़े बोलते हैं, आप वहां पर जाकर के श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। तो वो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट आ जाए हैं, जिससे हमारा दिल बहुत खुश हुआ है मेरे दोस्तों, कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। इसी तरह आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए मेरे दोस्तों, और मैं आप लोगों की मदद करता रहूँगा। क्योंकि क्या है ना कि जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत सपोर्ट है, मैं तो ये देख लिया हूँ आज की वीडियो में, और बहुत ही बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इतने अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों के आते हैं, आज हमारा दिल बहुत खुश हो गया है। और मैं आप लोगों को आज जॉब बता रहा हूँ जो वो सिविल लाइन से, ठीक है। तो जिस भाई को भी काम आता है फ्रेशर का, इंडियन एक्सपीरियंस इसमें चाहिए, आप लोग जा कर के इसमें अप्लाई कर सकते हो। गल्फ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो रिक्वायरमेंट आ रही है मेरे दोस्तों, वो सब सिविल लाइन की आ रही हैं। क्यों सिविल लाइन की आ रही हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेरे पास में एक कमेंट मेरे भाई ने किया था, मुझसे पूछ रहे थे कि भाई वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई वहाँ पे कोई भी बड़ी कंपनी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि लोग जो है, जैसे कोई एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, उसमें कोई एक ठेकेदार ने जा करके उसका पूरा ठेका ले लिया, ठीक है, और उसको कराने के लिए उसको लड़के चाहिए, तो वो लड़के वहाँ से इसराइल से इंडिया से बुलवा रहा है, ठीक है। तो वहाँ कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है जिससे कि आपको लगेगा कि भाई एक कंपनी में 2000-4000 बंदे हों, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो आप लोग जहाँ पर जा रहे हो वो छोटे छोटे शिरके हैं, मतलब छोटी छोटी एक कंपनी है। बड़ी सी कंपनी जो है वो वीज़ा देती है छोटे ठेकेदारों को, ठीक है। तो वो लोग जाकर के जगह जगह पे अपना कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, 1 साल का 2 साल का 5 साल का 10 साल का जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वहाँ पर ले आकर के लड़कों को अपना काम करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काम वहाँ पर हो रहा है,
वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है जहाँ पे आप लोग को 4,000-5,000 लड़के मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 400-500, 1,000, 2,000 ये सब जो है बहुत बड़ी कंपनियों में होते हैं। तो आप लोगों को जहाँ पर जाओगे वहाँ पे आपको 50-60-100 ऐसे लड़के 100 के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा वहाँ पर नहीं है। इसीलिए वहाँ पर सुविधा इतनी बढ़िया है कि आप लोगों को हर चीज़ देखने को मिले। मतलब अभी कुछ लोग जो गए हुए हैं वहाँ पर इसराइल में, उन लोगों को फ्लैट मिला होगा रहने के लिए, ठीक है। तो उसकी भी मैं वीडियो आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा कि फ्लैट देखिए कितना बढ़िया है, उसमें एकदम बढ़िया सा रूम दिया हुआ है, बेड दिया हुआ है, किचन है ठीक है, अटैच बाथरूम है, तो सबका अलग 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 अटैच बाथरूम दिया हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया सुविधा है मेरे दोस्तों। तो आप लोग अगर जा रहे हो तो अच्छे से काम करिए जिससे भारत का नाम रोशन हो। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं इसराइल की जॉब की तरफ। तो मेरे दोस्तों आप लोग मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने इसराइल की रिक्वायरमेंट लगाई है। वी आर हायरिंग फॉर इसराइल, कम फॉर इंटरव्यू, डायनेमिक हाउस, KH71 बगडोला गोन देव द्वारका सेक्टर DA न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस होने वाला है और आप लोगों को पता ही होगा कि कहाँ पे ऑफिस है, जहाँ पे डायनेमिक का इंटरव्यू होता है तो वहीं पे जा करके आप लोगों को इंटरव्यू देना है। ओपन पोजीशन, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आया है वो जनरल फोरमैन का आया है, ठीक है। जनरल फोरमैन का जिस भाई को भी काम आता है जा करके अप्लाई कर सकता है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मतलब इंडिया का एक्सपीरियंस चाहिए, गल्फ़ का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस चाहिए गल्फ़ का नहीं चाहिए, इंडिया का चाहिए, और अगर गल्फ़ का है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। दूसरा है सिविल फोरमैन, तो जिस भाई को भी काम सिविल फोरमैन का आता है वो जा करके सिविल फोरमैन का इंटरव्यू दे सकता है, ठीक है। तीसरा है शटरिंग कारपेंटर फोरमैन, शटरिंग कारपेंटर फोरमैन का जो काम जानता है, जिसको मालूम है फोरमैन का, तो जा करके अप्लाई करें। स्टील फिक्सर फोरमैन, ठीक है। पांचवा मेसन फोरमैन, मेरे दोस्तों इसमें फोरमैन की रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है। अभी तक की जो काम आ रहा था वो स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर का जो काम का जानता है उसकी रिक्वायरमेंट आ रही थी, अभी फोरमैन की रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है। तो सैलरी जो इसमें मिलने वाली है आप लोगों को वो मिलने वाली है 6,220 शेकेल, मतलब इसराइल का शेकेल 6,220 रुपये आप लोगों को मिलने वाला है, जो कि आप लोग इंडिया में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो कम से कम 1,45,000 या 1,50,000 के आसपास पड़ने वाला है, ठीक है। और मेरे दोस्तों 122 घंटे आप लोगों को काम करना है 1 महीने में, ठीक है। और नीचे आप लोगों को जाना है केबिन नंबर 6 में, ये 3 नंबर दिए हुए हैं, इस 3 नंबर पे आप लोगों को कांटेक्ट करना है। जो इस कांटेक्ट पे आप लोगों को पूछना है आप लोग पूछ सकते हो, समझ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसको भी जाना है तो वो सबसे पहले ये कांटेक्ट नंबर पे संपर्क कर लेगा, ठीक है। इस कांटेक्ट नंबर पे आप लोगों को संपर्क करना है, जो डिटेल वो बताएंगे उस डिटेल पे आप लोगों को हर एक चीज़ लेकर के जाना है, क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, क्या करवाना है, क्या नहीं कराना है, सारी पूछताछ आप लोगों को इस फोन नंबर पे कर लेना है, ठीक है। सैलरी आप लोगों को बता ही दिया है, ये सब सैलरी आप लोगों को मिलने वाला है, और इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो फ्रेशर है इंडियन का एक्सपीरियंस उनको मालूम है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेरे दोस्तों आप लोग जो है इसी तरह आप लोग चैनल पर बने रहिए, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करिए, क्योंकि मैं बहुत सारी डिटेल इसमें वीडियो में बताता रहता हूं आप लोगों को, और जो भी जानकारी होती है वो भी मैं आप लोगों को देता रहता हूं। थर्ड राउंड का जो है इंटरव्यू ये फ्लाइटों के बाद में स्टार्ट हो जाएगा, 20 जून से हो सकता है थर्ड राउंड का इंटरव्यू की डेट मिलना शुरू हो जाएगी। और इंटरव्यू कहाँ पर होना है ये भी आप लोगों को पता है, UP में, लखनऊ में होना है, ठीक है, जहाँ पर पहले दिया था, और जिस तरीके से जैसे पहले इंटरव्यू हुआ था वैसे ही इंटरव्यू होना है, इसमें कोई बदलाव नहीं रखा गया है, उसी तरीके से इंटरव्यू होना है। और गुड न्यूज़ ये है कि मेरे दोस्तों 3 लाख वैकेंसियाँ आने वाली हैं, अभी तक की 1 लाख थी, ठीक है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने वैकेंसियों को बढ़ा दिया है, 3 लाख वैकेंसियाँ जो है इंडिया से 3 लाख जो है बंदे जाएंगे वहाँ पर काम करने के लिए, तो 3 लाख वैकेंसियाँ आने वाली हैं। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि जो भी गए हुए हैं और जो भी जा रहे हैं, तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, अगर आप लोग जा रहे हो तो आप लोग ऐसा कोई काम मत करिएगा कि वैकेंसियां आना बंद हो जाए, ठीक है।
ऐसा काम करिएगा कि भारत का नाम रोशन हो, और जहाँ से आप लोग जा रहे हो काम करने, वहाँ पर उन लोगों को भी कुछ ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पर कोई वर्कर आया है काम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग जाओगे तो आप लोगों के सारे दूसरे लोग भी बैठे हुए, अगर आप लोग कुछ गलत करोगे तो दूसरों का वीज़ा आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम कभी भी मत करिएगा। 3 लाख वैकेंसियाँ आने वाली है, जो सैलरी इसराइल दे रहा है कोई भी कंट्री नहीं दे रही है। तो अच्छे से काम करिए, खुद भी कमाइए और दूसरों को भी कमाने दीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ काम करिए। और जो भी फर्स्ट राउंड वाले हैं उनके पास में फ़ोन कॉल आना शुरू हो गया, नहीं आ रहे हैं, तो एक बार श्रम विभाग में NHDC में जा कर के संपर्क कर लें, क्योंकि वहाँ पर पेमेंट जमा होना शुरू हो गया है फर्स्ट राउंड वालों का। और जैसे ही कुछ अगर टिकट वगैरह जैसे ही कुछ आता है मेरे पास में, तो वो आप लोगों को मैं बता दूंगा, आप लोगों को वीडियो बना करके शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को आप लोग नहीं सब्सक्राइब करते हो, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के शेयर से दूसरों तक की मदद पहुंचेगी और वो लोग इस वीडियो को देख करके जॉब को अप्लाई करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जॉब के साथ में, किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।